वेयरहाउस में इन्वेस्ट के लाभ ही लाभ बताकर सरकार ने बड़े स्तर पर लोगों को वेयरहाउस निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया था। वेयरहाउस बनाने के लिए सब्सिडी भी प्रदान की गई, जिसके चलते प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों ने वेयरहाउस निर्माण कर सरकार की योजनाओं को फलीभूत करने का काम किया। वहीं अब वेयरहाउस लोगों के लिए आर्थिक तंगी का कारण बन रहा है। गोदामों में भंडारित वर्ष 2023 व 24, 2024 व 25 का गेहूं, चना एवं मूंग का भंडारण का किराया आज तक नहीं मिल पाया है। भुगतान करने के लिए कई बार अवगत कराया गया और लिखित पत्राचार के माध्यम से भी भुगतान किए जाने की मांग रखी गई, लेकिन आज तक कोई हल नहीं निकला। मंगलवार को एसोसिएशन ऑफ वेयरहाउस ऑनर्स मध्य प्रदेश शाखा भैरुंदा के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय खाद्य निगम के एमपी नगर जोन 2 स्थित कार्यालय पहुंचकर एफसीआई के जीएम से मुलाकात की। उन्होंने जीएम के समक्ष अपनी समस्याओं को देखते हुए जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की। इस बीच वेयरहाउस संचालकों ने ईएमएस न्यूज एजेंसी को बताया कि उन्हें पिछले 1.5 साल से वेयरहाउस का किराया तक नहीं मिला। यही नहीं, उनके ऊपर 1.5% का गेन भी लगाया जा रहा है, जो पूरी तरह से अनुचित है। सर, मैं पंकज पवार हूँ, ब्लॉक भैरुंदा का वेयरहाउसिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आज हम रहटी और भैरुंदा शाखा के सभी गोदाम संचालक एकत्रित होकर यहाँ पर एफसीआई के जीएम साहब से मुलाकात करने आए हैं। जिस प्रकार की सभी लोगों को अवगत है कि पिछले 1.5 वर्ष से गोदाम संचालकों का पूर्ण रूप से किराया रुका हुआ है अभी तक, और उसके बाद में कई सारी अनियमितताएं हैं गोदाम संचालकों के साथ जो अलग अलग विभागों द्वारा थोपी जा रही है, तो उन विषयों को लेकर जीएम साहब से सारी चर्चाएं की। जैसे 1.5% गेन लगाया जा रहा है, जो कि कम समय में माल उठ जाता है, तो किसी भी प्रकार से साइंटिफिकली अगर अपन बात करें तो वो संभव नहीं है इतने कम समय में गेन आना, लेकिन वो मार भी गोदाम संचालकों पर थोपी जा रही है। मतलब अनेकों प्रकार की आर्थिक समस्याओं से आज गोदाम संचालक जूझ रहा है, तो उसी से ग्रसित होकर आज हम सभी लोग एकत्रित होकर यहाँ पर साहब को अवगत कराने आए हैं। इसमें एक जैसे कि हम देख रहे हैं कि 1.5% गेन जो हमसे लिया जा रहा है, तो अगर उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो जो स्कन किया गया है उसका 6 महीने का किराया हमारा 1.5% में चला जाता है। अब छह महीने से पहले यदि वो गेहूँ उठ रहा है हमारा, या जो भी मूंग है, या जो भी 6 महीने से पहले यदि उठ जाता है, तो हमारे जेब से हमको देना निकल रहा है एमपीडब्ल्यूएलसी को। तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि एक किराए की गारंटी हो, जो पहले भी शायद 4.5 महीने की एक गारंटी हुआ करती थी कि आपके यहाँ माल रखा है तो आपको कम से कम 4.5 महीने का किराया तो दिया जाएगा, और पहले ये गेन 1% का हुआ करता था। जो खरीदी व्यवस्था है उसमें उपार्जन समिति होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उसमें जो है सर्वेयर होते हैं, जैसे नान खरीद रही या जो भी संस्था खरीद रही है उसके सर्वेयर होते हैं। खरीद संस्था जो है सोसाइटी होती है सहकारिता, वेयरहाउस वाले काम है उसका भंडारण करना, लेकिन शर्तें ऐसी लागू की गई हैं कि संपूर्ण जिम्मेदारी वेयरहाउस वालों पर थोपी जा रही। दूसरा सर ये है कि सब्सिडी देके गवर्नमेंट चाह रही है कि भंडारण व्यवस्था सुदृढ़ हो, बढ़े। अब ले भी रहे लोन बेरोजगार लोग ले रहे, ज्यादातर अब किसानों ने वेयरहाउस बना रखे, लेकिन बहुत से लोग एनपीए की ओर जा रहे हैं इसमें लोन में, ये स्थिति बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।